ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनी का चैनल में आप सबका स्वागत है और आज हम आपको सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय। आइए कथा सुनते हैं। 16वां अध्याय आरंभ। देव सुर संपन्न विवाह योग। श्री कृष्ण बोले, हे भरत, अभय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग निष्ठा दान, इंद्रिय दमन यज्ञ कराना, तप अहिंसा, सत्य क्रोध त्याग, शांति व चुगली ना करना, वे सब प्राणियों पर दया तृष्णा से वचन कोमल स्वभाव चपलता का त्याग, क्षमा धृत पवित्रता द्वेष रहित अभिमान न करना, दैवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कटु भाषण और अज्ञान ये सब असुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। देव संपत्ति मोक्ष और असुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक न करो क्योंकि तुम दैवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। धर्म में प्रवृत्ति तथा अधर्म में निवृत्त असुर लोग नहीं जानते। उनमें ना सोच ना आचार और ना सत्य ही है। इनके मन में जगत की उत्पत्ति कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संयोग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मलिन आत्मा अल्प बुद्धि दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर कर्म करने के आश्रित होकर प्रथम विमान और मद से युक्त पुरुष नीच कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामोपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। वे अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग से सक्त लोग रो रो नरक में गिरते हैं। जो अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं, शस्त्र और रक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, अहंकार बल काम क्रोध से युक्त हैं, अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते हैं तथा मेरी निंदा करते हैं, इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार के असुरी योनियों में ही डालता हूँ। जन्म जन्म में असुरी योनि पाकर वे मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध लोभ तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्याग देना चाहिए। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। 16वां अध्याय समाप्तम। इसमें श्री भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू किसी प्रकार का शोक ना कर और मेरी भक्ति में लग जा, क्योंकि हर जगह मैं ही विद्यमान हूँ, इसीलिए कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री